सिंह प्रयागराज में स्वागत करता हूँ। आज का जो सीधा प्रसार है वो डाइट प्रयागराज से है। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। और ये हमारे हरेंद्र सर नमस्कार, विद्या और ये उदय भान जी। तो आज का कार्यक्रम ये जो आप तैयार कर रहे हैं कैसा लग रहा है? जी सर, हम बता रहे हैं ये एक बहुत ही अद्भुत माहौल है यहाँ का और ये कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमको। और मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय में इस गाँव का एक कैंप का आयोजन हो और विद्यार्थियों को जो कहते हैं ना कि मल्टी टास्किंग एजुकेशन की तरफ बढ़ावा मिले, करके सीखो, जो हमको NCF 2005 में बताया गया है उसकी तरफ अग्रसर हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। तो ये आप लोगों का कैंप है, टोली का क्या नाम है? हमारे टोली का नाम है ईगल, ईगल ब्लैक ईगल। बहुत अच्छा, ईगल जो कहते हैं ना कि बादलों को चीर कर भी ऊपर उड़ जाती है, तो साहस का प्रतीक होती है। क्या क्या आज इसमें होने वाला है? देखिए सर, एक हम अपने टोली में कुछ सदस्य होते हैं, एक टोली में कितने जो 10-6 से 12 तक हो सकते हैं, वो ऊपर नीचे हो सकती है संख्या। इसमें निर्धारित जो कार्यक्रम है आज के, वो ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पे प्रस्तुत करेगी प्रत्येक टोली। और इसके बाद कुछ जो भारतीय संस्कृति के अनुसार अतिथि को खाने पिलाने का भोजन का अवसर दिया जाता है, वो हम लोग स्वयं से अपने हाथों से कम संसाधनों का प्रयोग करके वो भोजन बनाएंगे। जैसे कि स्काउट गाइड कैंप जंगलों में आयोजित होता है, वहाँ पे संसाधन नहीं उपलब्ध होते, तो उस तरह से हम आज करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। आज क्या बनाने वाले हैं सर? ये अभी हम रिवील नहीं कर सकते हैं, ये हमारा निजी मामला है। आप जब भी हम बुलाएंगे, आपका स्वागत करेंगे, आप आइएगा, आपको जरूर देखने को। आज यहाँ बहुत सा जो है मिष्ठान और खट्टी मिट्टी चीजें खाने को मिलने वाली है, तो आप चाहें तो डाइट प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप साधन आमंत्रित। ये हमारे बलजीत सर, इनसे हम बात करना चाहेंगे। आज आप स्काउट गाइड की टोली में शामिल हैं, तो क्या करने वाले हैं, आपका क्या सहयोग है? हमारा 4-5 दिन का प्रशिक्षण चला था। अच्छा, उस प्रशिक्षण के दौरान आज हम लोगों को क्या अपनी टोली में बांटा गया था 4-5 टोलियों में, तो उसके हिसाब से यहाँ आज लंच के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसके लिए हम लोग टेंट वेंट लगा रहे हैं। अच्छा, ये टेंट की तैयारी देखिए चल रही है, एक एक चीज आप देखिए, सभी लोग लगे हुए हैं पूरी तरह से और पूरा टेंट तैयार किया जा रहा है, ये देखिए। और एक सिर्फ एक ही टोली नहीं है, कई टोली अलग अलग बांटी है। ये हमारे हरेंद्र सर है और ये हमारे आशीष सर है, देखिए ये सब अपनी टोली की तैयारी में लगे हुए हैं, ये देखिए। तो हरेंद्र सर आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा दो शब्द बताइए। देखिए इन्होंने इसमें जो है क्या क्या रखा हुआ है, और कढ़ाई है, तो ये सारे बर्तन घर से खुद अरेंज करना है और उसके बाद जो है आपको बनाना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। कहीं बाहर जाते हैं तो खुद से आपको घर भी तैयार करना है, खाना भी तैयार करना है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे तैयार होंगी। और आगे देखते हैं, थोड़ा लड़कियों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उधर क्या चल रहा है। और हाँ, देखते हैं इधर, हम दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आज आपका जो स्काउट गाइड का कार्यक्रम है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बना रही हैं अभी आप? ये बन रहा है तंबू। तंबू आज, और आप क्या क्या करने वाली इसमें, क्या नाम है आपकी टोली का? हमारी टोली का नाम है गुड़हल। गुड़हल नाम है आपकी टोली का? कितने व्यक्ति हैं आपकी टोली में? 8। 8 क्या बनाने वाली हैं आज खाने में? खाने में छोला पूड़ी। छोला और पूड़ी, देखिए तो आज ये लोग छोला और पूड़ी बनाने वाली हैं, तो आज खाने में बहुत मज़ा आने वाला है डाइट प्रयागराज में। चलिए धन्यवाद, आप बनाते रहिए। इनका देखिए टेंट है, ओके, और अभी सिलाई हो रही है। ये देखिए, ये हुनर देखिए कि आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो कैसे आपको सब कुछ तैयार करना है। ये देखिए सभी लोग लगे हुए हैं, ये देखिए सब मनोरंजन भी कर रहे हैं और अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और अगली टोली में हम देखते हैं, देखते हैं इधर क्या हो रहा है अगली टोली में। ये रही हमारी अगली टोली, इस टोली के लीडर कौन है? टोली के लीडर बात कर रहे, तो देखिए इस टोली का क्या नाम है? रोज, इस टोली का नाम है रोज और डाइट प्रयागराज में कार्यक्रम चल रहा है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल लाइव हैं, ये देखिए सभी लोग इसमें हैं। कितने मेंबर हैं? 13 लोग इसमें हैं। तो आज आप लोग खाने में क्या बनाने वाली है? मशरूम और पुलाव। मशरूम और पुलाव, क्या बात है, आज खाने में बहुत मजा आने वाला है। पहले अच्छा बने तब तो मजा। नहीं नहीं, बनेगा बनेगा। तो आप लोग इस तैयारी में लगे रही हैं? किस पे लाइव हैं आप? यूट्यूब पे। अच्छा, इस टोली का क्या नाम है, लीडर कौन है? लीडर, हाँ, क्या नाम है? प्रतिभा वर्मा। प्रतिभा वर्मा, उसका टोली का क्या नाम है? जैस्मिन। तो इनके टोली का नाम है जैस्मिन। और ये देखिए, आज इनसे हम बात करेंगे, ये अभी तंबू तैयार कर रही हैं। अभी मैं पूछूंगा खाने में क्या बनाने वाली हैं आप लोग? गाजर का हलवा है, पाव भाजी है और बाटी चोखा। वाह, 3 आइटम बनने वाला है। तो आज बहुत सारे भोजन यहाँ पे प्राप्त होंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि 56 भोग आज यहाँ मिलने वाले हैं। क्या नाम है आपका?
बना लिया दो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? समिष्ठा यादव। तो बताइए, आज के कार्यक्रम में यहाँ आप उपस्थित हैं, क्या अभी तक आपने सीखा, आज क्या करने वाली है? आज हम खाना बनाने वाले हैं, उसके पहले तंबू लगा रहे हैं, अभी तक तंबू लगा नहीं है, बहुत मजा आ रही तंबू लगाने। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए एक कढ़ाई चढ़ी हुई है, वहाँ पे हम बात करते हैं। तो ये देखिए सब कुछ तैयार हो रहा है, क्या बात है, ये क्या पक रहा है? क्या नाम है आपका? रागिनी। रागिनी, तो रागिनी जी के द्वारा क्या बनाया जा रहा है? ये गाजर का हलवा। वाह, ये क्या है? ये काजू बादाम है। देखिए काजू बादाम से जो है हलवा तैयार किया जा रहा है, कितना मजा आएगा इसको खाने में आज। मुंह में पानी आ रहा है अभी से। और ये इधर क्या तैयार हो रहा है? क्या नाम है आपका? श्वेता नाम है मेरा। श्वेता, तो ये आप क्या बना रही हैं? बस गाजर हलवा के लिए गाजर स्किन कर रहे हैं, पानी निकाल रहे फ्राई करने के लिए। क्या बात है। तो आप किस टोली से हैं? हम जैस्मिन टोली से हैं। जैस्मिन टोली, अभी मैं देख रहा हूँ कि सबसे आगे चल रही, तंबू भी बन रहा है इनका और खाना भी बन रहा है और इनका हलवा देखिए एक तरह से तैयार हो चुका है। तो ये हमारी टोली सबसे आगे चल रही है। थैंक यू। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम 8 बजे हमारी टोली आ गई थी। देखिए आज सब कुछ ये तैयार होने वाला है और डाइट प्रयागराज में आज बहुत मजा आने वाला है। और ये हमारी अगली टोली रही, इनसे हम बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मुकुल विश्वकर्मा। क्या नाम है आपकी टोली का? टोली का नाम है बाघ। बाघ, तो आज आप क्या करने वाले हैं विशेष? आज प्रोग्राम है खाने का। क्या बनाएंगे खाने में? दाल चावल भुजिया। अरे वाह, दाल चावल भुजिया। अच्छा, ये आप तंबू बना रहे हैं? हाँ हाँ। इसका प्रशिक्षण आपने कितने दिन लिया? 3 दिन। 3 दिन आपने प्रशिक्षण लिया? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ सर, जेपी सर, आप तो एक काफी जो है मार्गदर्शक व्यक्ति हैं, आपके इसमें ये कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और आपको बहुत बहुत बधाई। आज जो अपना कैमरा और YouTube वीडियो लेके आए, हम तो आपसे कई दिन से कह रहे हैं कि लेके आइए, लाइव टेलीकास्ट करिए, यहाँ से लोगों को बताइए कि हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ सिखाई जा रही हैं। तो ये आप इस बारे में आप खुद से तंबू तैयार कर रहे हैं, मतलब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको जो है खुद से तंबू बनाने में, खाना बनाने में, सारी व्यवस्थाएं करने में जो है दिक्कत नहीं होगी? हाँ। ये प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, आज खाने में जो बना रहे हैं आइटम, हाँ। आपकी टोली में कितने लोग हैं? टोली में 8 लोग हैं। 8 लोग हैं, 10 लोग हैं। अच्छा, 10 लोग एक टोली में है, किसी में 8 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है। इलाहाबादी स्पेशल दाल भात चोखा, मतलब आज 56 भोग डाइट प्रयागराज में मिलने वाले हैं सबके। हाँ। अलग अलग भाई, देखिए जल्दी जल्दी आ जाइए, जिसको आना है वो इनवाइट है डाइट प्रयागराज में। और स्काउट गाइड की तरफ से कार्यक्रम तैयार किए गए हैं हमारे सब भाइयों की तरफ से, हम भी एक टोली में शामिल है, हमारे टोली का नाम है ईगल, और आज इंजॉय करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दूसरा वीडियो तुरंत इसके बाद आएगा, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूले। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।